parts sir friends it is sanjay here and today we ha we have got something truly really special in store for you but before we started it if you are new here don't forget the hit that subscribe button and tap that notification bell so never miss out over on our exciting content so don't waste time we are a started proverb so first proverb is nearer the bone स्वीटर द मीट द स्वीटर द मीट हड्डी जितनी गरीब होगी मा मांस उतना ही मीठा होगा द क्लोजर यू आर समथिंग द मोर यू कैन एप्रिसिएट इट्स वैल्यू ही फाउंड दैट लिविंग इन द कंट्री साइड्स ब्रॉड हीम क्लोजर टू नेचर एंड ही अप्रिशिएट इट्स ब्यूटी इवन मोर सो नियरर द बॉर्न द स्वीटर द मीट कहने का मतलब ये है कि आपने पास रहेंगे उसकी उतनी ही तारीफ करेंगे नेक्स्ट इज nearer द चर्च फार्दर फ्रॉम गॉड चर्च के जितना निकट ईश्वर से उतना दूर बींग overly concerned विद रिलीजियस प्रैक्टिस और अपियरेंसेस may नॉट नेसेसरी lead टू ए क्लोजर रिलेशन विद गॉड फॉर एग्जाम्पल सो people अटेंड चर्च रेगुलरली बट लैक ऑफ जेन्यून कनेक्शन विद their faith nearer the so nearer the church farther from God यानी कि आप डेली मंदिर जाते हैं लेकिन आपका ईश्वर से कोई कनेक्शन नहीं है आप इधर उधर की चीज़ें करते हैं जैसे मंदिर की सफाई करते हैं कुछ भी ऐसा जो फर्दर काम करते हैं लेकिन आपका गॉड के साथ कनेक्शन नहीं है यानी कि ईश्वर के आप निकट हैं लेकिन उसके करेक्स्ट प्रॉबर्ब इस नियरर Is the gold shirts but he does not put it on. Meaning is although solution or solutions to problems may seem readily available, they require uh, they require efforts and action. For example, he had the tools to uh, prepare his car, but he procrastinated so nearer the gold shirts but he does not put it on. कहने का मतलब ये है कि आपके पास संसाधन है कोई किसी समस्या का आपके पास समाधान है लेकिन उससे तब तक वो सॉल्व नहीं होगी जब तक आप एफर्ट्स नहीं करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नियरर द डॉन डार्कर द नाइट भोर जितनी करीब होगी रात उतनी ही अंधेरी होगी मीनिंग इज चैलेंजेस में इंटेंसिफाई जस्ट बिफोर ए ब्रेक थ्रू और सक्सेस आपको सक्सेस मिलने के पहले आपको जो चैलेंजेस मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसीफाई होंगे तीव्र होंगे फॉर एग्जाम्पल द टीम फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज इन द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट बट दे न्यू दैट देट नियरअर द डार डार नाइट ठीक है सक्सेस सफलता के आप जितने करीब होंगे उतने ही आपको चैलेंजेस मिलेंगे उतनी ही डिफिकल्टीज आएगी नेक्स्ट प्रोवर्ब इज़ नियरअर द किम द मोर द सिन परिजन जितने करीब होंगे वे उतना ही अधिक पाप करेंगे द फैमिली मेम्बर्स में समटाइम्स एन एंगेज इन रॉन्ग डूइंग और डू ड्यू टू देयर क्लोज रिलेशनशिप फॉर एग्जाम्पल सब लिंक्स कैन बी इंटेंसीफाई सॉरी कैन बी इंटेंस बिकॉज द नियर द किन द मोर द सीन कहने का मतलब ये है कि दो सब लिंक्स हैं जैसे भाई भाई हैं भाई बहन हैं तो उनके बीच में तीव्र मतलब कंपटीशन बहुत होता है यानी कि वो इनके बीच में कंपटीशन होता है या फिर कोई कोई आपका जो फैमिली मेम्बर है वो गलत काम कर रहे हैं तो ड्यू टू क्लोज रिलेशनशिप आप भी वो काम करने लगेंगे कहने का मतलब ये होगा कि जिस जो अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो अगर आप उसके साथ में हैं तो आप भी वो काम करेंगे कभी ना कभी करेंगे आज नहीं तो कल करेंगे नेक्स्ट इज़ लुक बिफोर यू लीव छलांग लगाने से पहले देखो थिंक केयरफुली थिंक केयरफुली अबाउट द कंसिक्वेंसेस बिफोर टेकिंग एक्शन किसी भी एक्शंस को ले किसी भी एक्शन को लेने से पहले आपको उन उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखना जरूरी है क्या आगे जाके आपको नुकसान तो नहीं होगा इससे फ़ायदा होने वाला है या नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल ही डिसाइडेड टू रिसर्च द जॉब मार्केट थ्रू बिफोर क्विटिंग हिज करंट जॉब यानी कि आपको अपनी जॉब छोड़ने से पहले आपको मार्केट के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप जॉब छोड़ते हैं तो मार्केट में आप अपने पेट जमा पाएंगे या नहीं जमा पाएंगे सो लुक बिफोर यू लिव दैट इज दैट मीन्स छलाना लगाने से पहले देखो कि आपको कितनी दूर तक तो सामने खाई कितनी बड़ी है कहने का मतलब ये है कि छलांगा लगाने से पहले कि सामने आने वाली खाई कितनी बड़ी है Next is nearer. The nearer to the church, the farther from the दर्ट ये हम पढ़ चुके हैं Next is the nearer the land, the rougher the sea. जमीन जितनी करीब होगी समुद्र उतना ही उग्र होगा कहने का मतलब ये है कि जब समुद्र की लहरें जो होती हैं वो किनारे पे ज़्यादा तीव्र होती हैं उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है मीनिंग इज challenges ऑफ एन as एज़ वन

कहीं वो फेल ना हो जाए इसलिए आपको उस पर ज़्यादा एफर्ट्स और अटेंशन देने की ज़रूरत है ठीक है नेक्स्ट इज द नियरर द nearer द फाउंटेन द मडियर द वाटर पंवारा जितना करीब होगा पानी उतना ही गंदा होगा द क्लोजर यू आर टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और गोसिप द लेस रिलायबल इट मे बी For example, rumors about the company future were spreading, but they realized that the nearer the fountain, the मर्डियर the water. कहने का मतलब आपको बेहद पता है It means आपको बेहद पता है यानी कि किसी भी सोर्स जहाँ से information निकल रही है अगर आप उसके क्लोजर में हैं उसके पास में हैं तो आपको आप किसी कंपनी में काम करते हैं आपको उसके नेगेटिव एस्पेक्ट सारे पता हैं बट उसके नेगेटिव चीज़ें आपको पता है उसकी लेकिन वो तो आप उसमें कंपनी में काम कर रहे हैं ना तो आप उसको बता नहीं पाएंगे कहने का मतलब ये है कि आप किसी सोर्स के पास हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन लीक हो रही है तो वो लेस इन रिलायबल कहने का मतलब ये है नेक्स्ट इज नियरर द हार्ट फादर द टंग दिल के जितना करीब जेब से उतना दूर अगर आपका कोई करीबी है तो वो आपको कभी भी अपने सीक्रेट नहीं बताएगा कहने का मतलब ये है कि पीपुल टेंड्स टू बी मोर रिज़र्व और कोटियटियस कॉशियस कॉटियस वेहन डिस्कसिंग पर्सनल मैटर्स मतलब वो क्या करेगा कि वो अपने जो है सीक्रेट्स को वो रिजर्व करे बचा के रखेगा वो आपको नहीं बताएगा फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल में देख लेते हैं ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा सी डिड नॉट शेयर द डिटेल ऑफ हर रिलेशनशिप विद कलीग्स बिकॉज नियरर द हार्ट फार दर फ्रॉम द ट यानी कि अपने वो रिलेशन वह अपनी रिलेशनशिप को शेयर नहीं करती है अपने कलिग्स के साथ क्योंकि नियरर द हार्ट फार द टंग ठीक है नेक्स्ट कहीं कोई मिसयूज़ ना कर ले कहने का मतलब ये उसकी अगर वो आपको कहे कोई आपको कलीग्स आके आपको कहे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताए तो आप उसका मिसयूज नहीं कर लो इसलिए इस कहावत का यूज किया जाता है ए लिटिल ऑइंटमेंट इज़ बेटर देन ए ग्रेट डील ऑफ बाम थोड़ा सा महम बहुत सारे बाम से थोड़ा सा मरहम बहुत सारे बाम से बेहतर हैं समटाइम्स ए सिंपल सोल्यूशन और रेमेडी इज़ मोर इफेक्टिव देन ए कॉम्प्लेक्स वन फॉर एग्जाम्पल सी सी अप्लाइड ए लिटिल ऑनियनमेंट ऑइंटमेंट टू द माइनर कट ऑन हर हेड एंड इट हील्ड क्विकली यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास सिंपल सॉल्यूशन है तो आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है कहने का मतलब ये है कि इट्स बेटर देन ए ग्रेट डील ऑफ बा लिटिल ऑन ऑइंटमेंट इज बेटर देन ए ग्रेट डील ऑफ बा नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एफ्लाई इन ऑइंटमेंट यानी काम भी करना समाइम समथिंग स्मॉल और इन इनसिग्निफिकेंट दैट स्पॉयल एंड अदरवाइज प्लीजेंट्स सिचुएशन फॉर एग्ज़ाम्पल द अनएक्सपेक्टेड रेन्स वज़ ए फ्लाई इन दैंटमेंट ड्यूरिंग देयर पिकनिक इट डिस्टर्ब डिस्टर्ब डिस्टरपटेड देयर प्लान्स कह रहे हैं मतलब ये है कि जो अनएक्सपेक्टेड रेन है वह हो गई अगर तो आपकी पिकनिक बर्बाद हो जाएगी यानी काम बिगड़ जाएगा तो ए फ्लाई इन दैंटमेंट काम बिगड़ना नेक्स्ट प्रोवर्ब इज लाइक ए शोरथम एक दुखते हुए अंगूठे की तरह लाइक ए शोर थम मीनिंग इज समथिंग और सम वन दैट स्टैंड आउट कंपिक्यूसली एंड डज नॉट फिट इन फॉर एग्जाम्पल ही कैजुअल अटायर एट द फॉर्मल इवेंट मेड हिम लुक लाइक ए शोर थम Among the well distressed dressed guest, कहने का मतलब ये है कि एक दुखते हुए अंगूठे की तरह सपोज कीजिए आप किसी किसी भी पार्टी में गए और आपने एक ऐसी ड्रेस पहन ली जो जो काफ़ी डिफरेंट है है ना जो आन, जो वहाँ जो वहाँ पे लोग आए हुए हैं वो उससे काफ़ी डिफरेंट है फॉर्मल नहीं है कहने का मतलब पार्टी वियर नहीं है आपने कोई अजीब से कोई कार्टून की तरह ड्रेस पहन के आए तो आपको क्या लगेगा यू लाइक ए शोर्ट एक दुखते हुए अंगूठे की तरह होंगे आप ठीक है नेक्स्ट इज ही हु बिटिन बाय ए स्नेक फियर ए पीस ऑफ स्ट्रिंग जिसको सांप ने काटा है वह डोरी को भी टुकड़े की टुकड़े से डोरी के टुकड़े से भी डरता है कहने का मतलब कि छाछ का जला मतलब जला हुआ जो है वो दूध छाछ को भी फुक फूक करकेगा पीता है वो कहावा सुनी आगी। सुनी होगी सेम इज सेम इट इज की हु हैज़ हु ही है हु हु सॉरी ही हैज बीन बिटन द बिटन बाय ए स्नेक फियर्स फियर्स ए पीस ऑफ स्ट्रिंग मीनिंग इज पास्ट एक्सपीरियंसेस कैन मेक पीपुल ओवरली कॉशियस एंड और फेयरफुल ऑफ हार्मलेस थिंग कहने का मतलब अगर आपके जो पुराने अनुभव हैं पुराने अनुभव आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं क्योंकि अगर आपने कहीं पिछली बार अगर आपने नुकसान खाया है तो वो वो चीज़ आप दोबारा नहीं करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर ए बेड इन्वेस्टमेंट ही वॉज़ हेजिटेंट टू ट्राई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज़ फियर फियरिंग दैट ही हु हैज़ बिन बीट बिटन बाय स्नैक फीयर्स ए पीस ऑफ स्ट्रिंग अगर मार्केट में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और वो उल्टा हो गया आप, आपको आपको नुकसान हो गया तो आप दोबारा उस गलती से करने दोबारा उस गलती को करने से बचोगे कहने का मतलब दूध का चलना भी छाछ को फूक फूक कर पीता है नेक्स्ट इज ए पुल्टिस फॉर एवरी स्टोर हर गाँव के लिए एक पोलिटिक्स है फॉर एग्जाम्पल मिनी इज सजेस्टिंग ए टेंडेंसी ऑफ टेंडेंसी टू ऑफर ओवरली कॉम्प्लेक्स और अननेसेसरी सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स मतलब समस्याओं का जो समाधान है सुझाव देना मतलब फॉर एग्जाम्पल अननेसेसरी सोल्यूशन टू प्रॉब्लम मतलब हर गाँव हर काम के लिए कुछ ना कुछ होता ही है तो इंस्टीड ऑफ ए सिंपल एडवाइस सिंपल एडवाइस देने के बजाय ही प्रोवाइडेड ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशन फॉर डीलिंग विद द इशू मतलब आपको कोई इशू है और आ, सामने वाला जो आपको ये सिंपल एडवाइस देने के बजाय आपको उससे हील करने के लिए बहुत सारे एक लॉन्ग लिस्ट पकड़ा दी रिकमेंडेशन की डीलिंग विद द इशू किसी भी uh, इशू को डील दि, करने के लिए आपको बहुत लंबी लिस्ट पकड़ा दी जबकि उसका सिंपल सॉल्यूशन भी था तो सो इट वाज इट वाज लाइक ए पुलटिस फॉर एवरी एवरी सोर हर गांव के लिए एक पुलटिस है मतलब एक हल्की सी छोटे से, से भी काम हो सकता है छोटी सी एडवाइस से भी काम हो सकता है लेकिन नहीं आपको तो बड़ा ही सोल्यूशन देना है फॉर एग्जाम नेक्स्ट इज ऑयल एंड ऑइंटमेंट्स मेक्स ए बॉडी स्मूथ तेल और मरहम शरीर को चिकना बनाते हैं मीनिंग इज सेल्फ केयर एंड ग्रूमिंग कैन एनहांस वंस अपीरेंस मतलब आपको अपनी केयर करनी चाहिए क्या मतलब ये है कि आपको अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए सी फॉलोड ए स्किन केयर रूटीन बिलीविंग दैट द ऑयल एंड ऑइंटमेंट्स मेक्स ए बॉडी स्मूथ आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट इज जो दिखती है कहने का मतलब वो है डोंट रब साल्ट इन द दाउंड जख्म पर नमक मत छिड़को मीनिंग इज अवॉइड मेकिंग ए बेड सिचुएशन वर्स बाय एडिंग इंसल्ट और इंजरी फॉर एग्जाम्पल ये तो सबको पता ही है आफ्टर अब जब हम बेस्ट रेड कर लेते हैं आफ्टर द आफ्टर शी लोड्स हर जॉब हर फ्रेंड्स डिड नॉट रब साल्ट इन द दाउंड बाय ब्रेकिंग अबाउट हर ओन सक्सेस नेक्स्ट प्रोवर्बिज द अइंटमेंट पोर्स इज ऑप्ट द रटिस्ट मरहम का बर्तन सबसे गंदा होता है ये तो आपको पता ही है कि जिस जिस बर्तन में मरहम होगी वो सबसे गंदा देखेगा समटाइम्स दोज हु अपेयर इन वर्चुअस और राइटियस मेंव हिडन फ्लोर्स For फॉर एग्जाम्पल ही प्रजेंटेड हिमसेल्फ एज ए मॉडल सिटीजन बट देंट पोर्ट इज़ ऑफ्ट रर्ट ईयर्स He had a criminal records. कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जो है अपने आप को एक रोल मॉडल बताता है लेकिन उसका पास्ट रिकॉर्ड है वो क्या है क्रिमिनल की तरह है ठीक है तो मरहम का बर्तन जो होता है वो सबसे आज उसकी सभी अच्छी हैं लेकिन उसके भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं द ऑइंटमेंट पोर्ट इज ऑफ द डर्टीएसट नेक्स्ट इज ए स्मूथ ऑइंटमेंट फॉर ट्रबल ट्रबल टाइम्स परेशान समय के बाद जो है ना सुख uh, परेशान समय के लिए एक सुखदायक मरहम होता है मीनिंग इज रेफरिंग टू समिंग डेट प्रोवाइड्स कम्फर्ट और लाइफ ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक वॉज हर सम शूत शूतमेंट फॉर ट्रबल्स टाइम्स ही इट हेल्प हर रिलैक्स और एंड कॉप्स कॉप विद स्ट्रेस मतलब अगर आप किसी स्ट्रेस से निकल रहे हैं गुजर रहे हैं और आप किसी म्यूजिक को सुन के आपको अगर उसको थोड़ा सुख मिल रहा है तो कहने का मतलब यह है कि हर परेशान के लिए एक छोटा सा मरहम होता है अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप म्यूजिक सुनिए तो आपका स्ट्रेस थोड़ा कम होगा